Welcome back to my channel. Thank you so much for watching this video. So I'm back with my another vlog. तो मैं नहा चुकी हूँ, तैयार व्यार हो गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ. नीचे कुछ काम चल रहा है क्या? नीचे उनके यहाँ पे काम हो रहा है इसलिए आवाज़ आ रही है. कुछ लाइक पता नहीं क्या, लोहे वोहे का काम हो रहा है तो इसलिए बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है. तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ अमन भैया के यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चादर बेडशीट्स सब मैं हटा चुकी हूँ. वो जब बहुत गंदी हो रही थी तो मुझे वहाँ वॉश के लिए देके आनी थी. रोनू भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे जब वॉशिंग मशीन है तो मैं क्यों देना है इधर उधर, तुम यहाँ आके वॉश कर लेना. तो मैंने सारी घर की चादरें रख ली हैं, पैक कर ली हैं. और आज मैंने यूज़ की अपनी नेल लिपस्टिक्स, अच्छी लग रही ना, तो मैंने मंगाई माई ग्लैम से. बहुत ही प्यारा कलर है, मैं दिखा देती हूँ. अभी कुछ ऑफर था लाइक बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गई. ये तीन कलर मंगाए हैं मैंने माई ग्लैम से, बहुत ही प्यारे हैं. और ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, पता नहीं सबको पसंद आता है नहीं आता है, बट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है. इसमें तीन कलर हैं, सब बहुत लाइट वेटेड एंड बहुत प्यारे न्यूड से कलर हैं. तो अभी सबसे पहले जाएंगे रौनक भैया के यहाँ, पहले जाएंगे अंजलि शिवम, क्योंकि वहाँ पे बैठे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं बहुत देर से वहाँ पे. तो पहले जा रहे हैं शिवम के पास, फिर जाएंगे रौनक भैया के पास, मतलब या. और वहाँ पे डोबी भी आया हुआ है तो उसके साथ खेलेंगे. सो लेट्स गो. मैंने चादरें पैक कर ली है मेरी. अयो, तो ये ज़ेप्टो के बैग में मैंने चादरें पैक कर ली हैं. चार चादर हैं इसमें बस, और इतना बड़ा बैग हो गया. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. शिवम को फ़ोन किया था, अभी बोल रहा है कि यहाँ पे है ही नहीं अंजलि. मैं तो मैं सीधे भैया के घर ही जा रही हूँ, बोल रहा है वहीं से वहीं आ जाऊँगा. तो इससे बेटर है कि वहीं से वहीं आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा ना, मुझे लगता है. हाँ, फालतू चलना पड़ गया, इससे अच्छा पहले ही फ़ोन कर लेती ना तो ज़्यादा अच्छा था. इतनी गर्मी है लिटरली, मेरा फ़ोन ऐसा हो रहा है जिसमें आग लगने वाली है, इतना गर्म हो रहा है. समझ ही नहीं आ रहा मौसम का. अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छा मौसम हो रहा था पूरे नोएडा में, जब बारिश पड़ी थी तब बहुत प्यारा मौसम. अभी इतना गर्म हो गया है कि इंसान बाहर नहीं निकल पा रहा है घर से. गर्मी इससे अच्छा रैपिडो कर लेती, बहुत गर्मी यार. चादर मैं पूरा सुनसान एरिया लग रहा है. आ तो गई हूँ, मुझे मेरे अलावा ना एक आदमी नहीं दिखा सड़क पर. सिंपल से पता निकलेगा भी क्यों भाई इतनी गर्मी में. चलो भाई आते हैं फाइनली. हमारा कुत्ता पागल, ओ पागल कालू, जरा इतना गंदा हो गया इसलिए इसका नाम कालू रख दिया डोबी से. डोबी ओ कालू, ये लड़कियों का थोड़ा फैन है. ये हमारे घर की लड़कियों का फैन है, लड़का है ना. ओ कालू जरा, कालू सुनना साले, दिख भी रही है इसके आगे, दिख रही है ना. अच्छा क्या करना चाहते हो? तो अभी हम आ गए हैं अमन के यहाँ पे, मतलब अमन के यहाँ पे हूँ मैं. और मैं तो नींद आने लग गई. सब लोग गए हैं दीदी को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि फ्रेंड है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सारे के सारे वहाँ पे गए और मुझे यहाँ पे रुकना, तो क्योंकि मेरे जाने का मन भी नहीं था. और ये भी थे हमारे साथ, कैसे बैठा है ये इंतज़ार में कि मैं कुछ बोलूँ, इनके साथ खेलूँ. हाँ ये लोग लेट गए हैं, कितनी क्यूटी है, इसको मन करता है इसे कर दूँ. पर इसके ना बेचारे के बहुत हेयर्स है क्योंकि शिट्ज़ू है, बहुत ज़्यादा हैवी एयर है और गर्मी है, बल्कि एसी है यहाँ पे, बट तब भी अभी ज़्यादा एसी करो तो अच्छी अच्छी करने लगता है, और अगर एसी बंद कर दो तो ये पागल से ज़्यादा उछलने लगता है. तो इसे खुद को नहीं पता इसे करना कैसे चाहिए, क्या इसे अपनी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता. पैर चाट रहा है मेरे, आके गुदगुदी हो रही है मुझे. हाँ भालू सा, मैं इसका फेस देखा था क्यूट सा है ना, देखो पैरों के पीछे भाग गया. ये मेरा कालू हो गया है, ये मैं इसके लिए कल एक बंदर लेके आई थी, इतना क्यूट सा है ना, मैं दिखाऊं ये. ये कालू का चॉय है, इसको लेके भागता रहता है, इसने अपनी तरह कालू कर दिया है गंदा. ये लो बस, कल लेके जा रहा है इसे. ओ जी को जी, ओई ओई बुई. बहुत देर से भूखा है
तो मैं सोची इसे दे देती हूँ, इसकी पेडिग्री मैंने भिगो दी थी, तो खा लो चुन्नू जू जू जू, लो। अरे खा नहीं रहा है, भाग गया, घर का क्या हाल कर दिया इसने, लो। अरे अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मन था तो चाय बना रही हूँ। इसको तो दे दिया है, खा नहीं रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा है, तो भूख भी लग रही है। चाय पीते हैं बिस्किट के साथ, बन गया। रौनक भैया ने मेरी चादरें धोने के लिए लगा दी हैं, अभी धुल जाए, फिर कल घर लेके जाऊँगी, अब तो नहीं, अभी घर जा रही हूँ। चलो